मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए की पूजा अर्चना। श्री माता मनसा देवी से प्रदेशवासियों की कोरोना से सुरक्षा की कामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की और महामृत्युंजय यज्ञ में पूर्णाहुति दी। उन्होंने श्री माता मनसा देवी से कोविड-19 की परिस्थितियों में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने यज्ञ में आहुति डालने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई वे बहुत ही गंभीर घटना थी। ऐसी स्थिति में हम प्रधानमंत्री की लंबी आयु व उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पंचकूला में आज श्री माता मनसा देवी मंदिर व यज्ञशाला में आयोजित महामृत्युंजय यज्ञ में प्रधानमंत्री की दीर्घायु व सुरक्षा की कामना के लिए आहुति दी है। उन्होंने कहा कि महामारी का आशीर्वाद हम सब प्रदेशवासियों पर बना रहे और जल्द ही हरियाणा कोरोना महामारी से मुक्त हो। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है और वे जहां भी जाते हैं उनकी सुरक्षा व रास्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पंजाब में शासन व प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा, इसलिए हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई जब प्रधानमंत्री को किसी राज्य में इस तरह रोका गया हो। प्राइम न्यूज 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट। जीवनदायिनी महामारी माँ मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। माँ मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। इसी प्रकार जैसे कोविड भी तीसरी लहर उसकी जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से तेज गति से बढ़ रही है, निश्चित रूप से इसमें भी महामारी माँ मनसा देवी का हमको आशीर्वाद मिले और ये जल्दी से बीमारी दूर हो, ऐसे मैंने कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद, हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे समय पर लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने ही बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। ये ठीक है कि वो लापरवाही की जानकारी और दो तीन दिन बाद, क्योंकि MHA ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय और 3 दिन में लापरवाही भी सामने आ जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये उनका फेल्योर है शासन प्रशासन का। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम को हम भी ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से इनकी सरकार को बर्खास्त करेंगे। निश्चित आखिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और तभी जब ये अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, हमने तो मांग भी इसीलिए की है कि राष्ट्रपति शासन यदि होगा तो सारी चीज़ें सुनिश्चित चलेंगी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तो सभी नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को भी वहाँ आना होगा, इसलिए वहाँ की व्यवस्था को जो संभाल सके वही प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।